हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम बात करेंगे बैटल ऑफ पलासी के बारे में। तो इसमें हम देखने क्या वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि बैटल ऑफ पलासी था क्या, इसके पीछे क्या क्या कंडीशंस थे जो कि बैकग्राउंड में चल रहे थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ पलासी हुआ, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया एंड इसका जो इम्पैक्ट हुआ इंडियन सोसाइटी में, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि बैटल ऑफ पलासी था क्या, राइट? सो बैटल ऑफ पलासी कुछ नहीं, 23rd जून 1757 को पलासी नाम की एक जगह है जो कि बंगाल में पड़ता है, अभी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है वो, एंड जो हुगली नदी के पास है। तो पलासी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्सेस थे वर्सेस बंगाल नवाब के जो फोर्सेस थे, वो आ गए आमने सामने। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और इधर उस टाइम पे नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। तो आप बोल सकते हो कि लॉर्ड क्लाइव जो थे, लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला जो कि बैटल हुआ था पलासी में, इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी 23rd जून 1757 को। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा क्या क्या हो गया, ऐसे कैसे क्या कंडीशंस हो गए थे जिसके वजह से बैटल ऑफ पलासी हुआ। तो इसका क्या बैकग्राउंड क्या था, पहले तुमको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, तब जाके हम इसका जो कॉज था वो समझ पाएंगे। तो मैं बैकग्राउंड को इन पे चार भागों में भाग करूंगा आपके समझने के लिए। तो पहला पोर्शन है आपका फेज ऑपोजिशन। तो आपके बैकग्राउंड जाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सिराजुद्दौला थे कौन, राइट? अब सिराजुद्दौला थे अली वर्दी खान के ग्रैंडसन। अब अली वर्दी खान जो थे वो 1740 से 1756 तक उनके नवाब थे। अब नवाब जब अली वर्दी खान जब एक्सपायर हो गए उसके बाद हुए सिराजुद्दौला, जो कि 56 to 57 थे, एक साल के लिए ही थे। अब क्यों थे वो आपको जाके सामने पता चलेगा। अब सिराज जैसे ही बंगाल नवाब बने तो बहुत सारा ऑपोजिशन उनको देखना पड़ा। पहला ऑपोजिशन तो उनके घर से ही आ गया, जो कि थे घसीटी बेगम, जो उनके आंट थे, और उनके जो कजन थे शौकत जंग। अब शौकत जंग उस टाइम पे क्या थे, गवर्नर ऑफ पूर्णिया थे। इन दोनों ने क्या किया, अपोज किया। अब जब अपोज किया तो क्या करना था, सिराज को जाके उनके साथ बैटल करना था। तो यहीं पे बैटल ऑफ मनियारी में सिराज ने इनको हरा दिया, शौकत जंग को, जो कि गवर्नर ऑफ पूर्णिया थे, हरा दिया। तो इनका चैप्टर क्लोज। उसके बाद देखना पड़ेगा कि और क्या, और भी ऑपोजिशन थे। हाँ, ऑपोजिशन और भी थे सिराज के विरुद्ध। तो जो इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन थे वो थे डोमिनेंट ग्रुप जो थे उनके कोर्ट में जो थे डोमिनेंट ग्रुप, जैसे कि हो गया मिर्जाफर जो कि कमांडर इन चीफ थे, फिर हो गया राय दुर्लभ, फिर हो गया जगत सेठ जो कि उस टाइम पे एक इन्फ्लुएंसर बैंकर थे, फिर उमी चांद, ये सब उनके ऑपोजिशन में थे। हाँ, बट ऐसा नहीं क्या था कि ओपनली ऑपोजिशन करते थे, बट हाँ एक होता ना अंदर अंदर ऑपोजिशन इनका था। सिराज को भी पता था कि थोड़ा बहुत ऑपोजिशन इनसे उनका है, बट इतना नहीं पता था कि ये जाके बाद में उनके गले का फंदा बनने वाला है। सो फेज ऑपोजिशन पार्ट हमने देख लिया। अब देखते कि और क्या क्या हुआ था, ठीक है? तो पहला तो फेज ऑपोजिशन पार्ट गया। अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि फिर उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप, एक खराब रिलेशनशिप बन हो गया, ठीक है? तो पहला तो सिराज जैसे ही नवाब बने, उन्होंने क्या किया तीन ऑर्डर पास किए। पहला ऑर्डर था क्या, आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते कोलकाता के अराउंड विदाउट, मतलब उनके परमिशन के अलावा आप वहीं पे फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। दूसरा है कि आप मिस यूज नहीं कर सकते, जो प्रिविलेजेस आपको मिला है उसको आप मिस यूज नहीं कर सकते, जो कि आपके ऑफिशियल्स के द्वारा किया जा रहा था। अभी क्या है वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। फिर थर्ड होता है कि आपके वहीं पे बोला गया कि आप जो ये हॉस्टल एक्टिविटी कर रहे हो इसको हम परमिट नहीं करेंगे। हॉस्टल एक्टिविटी कैसे, जो कि आपने क्या किया था, कृष्णदास जो कि फिजियोट्यूब था बंगाल का, उसको आपने क्या किया, एसएलएम दिया हुआ था। तो फिर नवाब ने बोला ठीक है आप इसको हैंड ओवर कर दीजिए, बट क्या क्या कंपनी ने तीनों के तीनों ऑर्डर डिनाई कर दिए। अब ट्रेड प्रिविलेजेस जो यहीं पे बात हो रहा है वो था क्या, फारूक शेयर के जो फरमान थे उसके हिसाब से क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में ट्रेड करने का परमिशन था, बट उनके ऑफिशियल्स क्या करते थे कि खुद के सिर्फ ऑफिस, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को था परमिशन, बट क्या क्या उनके जो ऑफिशियल्स थे वो सब इनके फायदा उठा रहे थे। कंपनी तो उठा ही रही थी, फिर इनके ऑफिशियल, फिर पर्सनल इनका फायदा उठा रहे थे। तो इसी को उन्होंने बोला था कि मिस यूज मत कीजिए। तो एक तीन कंडीशन, ये तीन ऑर्डर उन्होंने पास किया, बट क्या क्या, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने क्या किया, तीनों के तीनों रिफ्यूज कर दिए। तो हो गया एक ईस्टर्न रिलेशनशिप। अब क्या हुआ, तो फिर जब उन्होंने तीनों के तीनों ऑर्डर उनका जो था रिफ्यूज कर दिया, तो फिर सिराज क्या करते, सिराज एक्शन लिए। अब एक्शन में सिराज ने क्या किया, तो पहले तो सिराज ने क्या किया कि कासिम बाजार नाम के जगह पे इंग्लिश का जो फैक्ट्रीज थे, इंग्लिश के जो फैक्ट्रीज थे उनको क्या किया, कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया।
और फिर जाके कोलकाता में जो कोलकाता में जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम, उसको जाके भी कैप्चर कर लिया। अब उस कैप्चर के टाइम पे नवाब के जो ट्रूप्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिश को एज ए प्रिजनर और ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर और सोल्जर्स जो थे उनको प्रिजनर बना लिया। अब उनको तो रखना कहीं पे था, तो फोर्ट विलियम के डंजन में, मतलब बोल सकते हो आप बेसमेंट में, एक छोटा सा रूम था। उस रूम पे सिक्स पर्सन के कैपेसिटी वाला एक रूम था, उसमें क्या किया उन्होंने, 145 जन जो प्रिजनर बने थे उनको जाके ठूस दिया। अब होना क्या था, 6 पर्सन वहीं पे रह सकते थे, उस जगह पे आपने 145 जन को रख दिया। ऑब्वियसली नेक्स्ट डे सफोकेशन में सब मर गए। हाँ, बोला जाता है कि 23 बचे हुए थे, ओनली 23 बचे हुए, बाकी सब मर गए। तो इसको भी क्या कहा जाता है, ब्लैक होल ट्रेटेजी, क्योंकि वो रूम ब्लैक था, मतलब उसमें कोई बाहर से कोई मतलब रोशनी वोशनी आती नहीं थी, और वो क्या एकदम अपने बेसमेंट पे था, तो इसको इसलिए कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेटेजी। ओके, अब क्या होने वाला था, पहला तो सिराज ने 3 पॉइंट पास किया, कि 3 ऑर्डर पास किया, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया। फिर सिराज ने क्या किया, एक्शन लिया। फिर इसके बाद अब रिएक्शन आने वाला था कंपनी के थ्रू से, आया भी रिएक्शन। कैसे आया, कि एडमिरल वाटसन जो थे और क्लाइव जो थे उधर उस टाइम पे मद्रास में, इन दोनों को भेज दिया गया कि जाओ आप जाके कोलकाता रिकवर करो। फिर इन दोनों आते ही क्या हुआ कि दोनों साइड में बैटल हुआ, सिराज वर्सेस सिराज के फोर्सेस, नवाब के फोर्सेस वर्सेस इनके फोर्स। अब इसमें क्या होगी, बोथ साइड में बहुत सारे आर्मी लॉस्ट हुए, और जो इनके जो एडमिरल और जो क्लाइव के जो फोर्सेस थे उन्होंने क्या किया, कोलकाता कैप्चर कर लिया, रिकवर कर लिया। इसमें सिराज आ गए पैनिक में। अब पैनिक में आके इन्होंने क्या किया, इनको डर हो गया, डर के मारे इनको ये जाके अली नगर की ट्रीटी साइन कर लेते हैं क्लाइव के साथ, वो था फेब्रुआरी 1757 में। ओके, अब इस ट्रीटी में ऐसा था क्या, अब ट्रीटी में था क्या कि आप फोर्टिफिकेशन अलाउ कर रहे हैं, आप फ्री ट्रेड फ्रीली आपको फिर से दिया जा रहा है, और फिर आप क्या, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं पे अपना कॉइन भी लागू कर सकता है। तो आप अगर देखो कि फिर अली नगर ट्रीटी में जो सब इन्होंने अलाउ किया, सिराज तो उसी के विरुद्ध ही जाके तो पहले तो फाइट किया था ना, सिराज उसी के विरुद्ध थे जिसकी वजह से उन्होंने जाके कैप्चर किया, और फिर ब्लैक होल स्ट्रेटेजी हो गया। फिर जाके सिराज को क्या करना पड़ा, फिर वही सब अलाउ करना पड़ रहा है। तो सिराज के लिए ये क्या था, सिराज के लिए एक इंसल्टिंग फैक्टर था, ये था एक इंसल्टिंग फैक्टर जो कि पलासी को जाके लीड करने वाला था, ये था इमीडिएट रीजन पलासी का। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नवाब को अपना आर्मी वहीं से हटाना पड़ा। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको तो पहले पता था कि मतलब आप पहले जान चुके थे कि नवाब के जो कोर्ट में थे उनके बहुत सारे ऑपोजिशन पहले ही थे। अब ये सब जब चल रहा था, फिर सिराज जो ह्यूमिलेशन हुआ, तो फिर इससे क्या हुआ ना कि उनके कोर्ट में जो उनके खुद के पर्सन थे उनके अंदर ही डिसकंटेंट हो गया, और उन्होंने क्या किया, कंस्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया कि इससे काम नहीं चलने वाला, इस नवाब से काम नहीं चलने वाला, इसको आप हटाएंगे। ओके, एट द सेम टाइम जब ये सब चल रहा था, तब जब क्लाइव कोलकाता आए, मतलब जब बंगाल आए, तो क्लाइव को और एक सुनहरा मौका दिखा। वो क्या था, वो था चंदनगर, ये भी बंगाल में था। अब क्लाइव ने क्या किया कि ये बंगाल में था चंदनगर, उस टाइम पे क्या था, फ्रेंच का पार्ट था, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका पार्ट था। क्लाइव ने देखा ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। और ऐसा क्यों उनको लगा कि इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, अच्छा मौका है। अगर आपको उस टाइम पे थोड़ा सा भी याद हो कि कौन सा टाइम चल रहा है, 1757, राइट, इसी टाइम पे यूरोप में चल रहा है 7 ईयर वॉर, 56 to 63। अब उसमें यूरोप में जो 7 ईयर वॉर चल रहा है, वहीं पे यूरोपियन कंट्री लाइक ब्रिटेन अगेंस्ट थे फ्रांस के। ओके, तो अब क्लाइव तो थे ब्रिटेन के पार्ट के, अब आके देख रहे हैं कि यहीं पे फ्रेंच का पार्ट का एक चंदननगर भी है, तो इसको कैप्चर कर लेते हैं, इनका थोड़ा उतना ज्यादा माइटी फोर्सेस है नहीं यहीं पे, तो आसानी से कैप्चर कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। अब इसके रिएक्शन में फ्रेंच पार्ट ने क्या किया कि ठीक है, आपने तो चंद्रनगर कैप्चर कर लिया, तो ठीक है अब बैटल ऑफ पलासी में हम एक छोटा सा ट्रूप भेजेंगे ब्रिटिश के, तो उन्होंने भेजा भी था। ओके, अब कॉज में आते हैं, तो हमने बैकग्राउंड देख लिया। अब बैकग्राउंड से क्या पता चल रहा है, बैकग्राउंड को अगर हम समराइज करें तो ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो बैटल ऑफ पलासी हुआ। पहला तो रिजर्वमेंट ऑफ टूअर्ड्स ईएसआई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराज का जो रिजर्वमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। फिर क्या, ब्रिटिश का जो प्रोटेक्शन था, जो प्रोटेक्शन इन्होंने दिया था कृष्णदास को, ठीक है, उसकी वजह से नवाब बहुत गुस्से में आ गए थे। तीसरा था कि कॉमर्शियल जो मिसयूज ये लोग कर रहे थे कंसेशन का, और जो कोलकाता में फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वो। फिर हो गया कि कैप्चर ऑफ चिकासिम बाजार एंड कोलकाता फोर्ट, ये आपका ब्रिट आपका बोल सकते हो कि रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि जाके बैटल करे। फिर
फिर हो गया ब्लैक होल स्ट्रेटजी। तो पहला जो पार्ट था वो सिराज के साइड का पार्ट था, अब आ रहा है कि ये दो पार्ट हो गया, मतलब कैप्चर ऑफ कासिम बाजार एंड कोलकाता पोर्ट एंड ब्लैक होल स्ट्रेटजी। ये कौन सा था? ये था इंग्लिश का पार्ट, कि इंग्लिश इस वजह से जाके बैटल किए थे। और जो इमीडिएट रीजन था, जो इमीडिएट रीजन था जिसमें दोनों इंडल्स थे, वो था आपके अलीनगर ट्रीटी। अलीनगर ट्रीटी के बाद से ही कंपनी को भी पता था कि ये ट्रीटी ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं, नवाब जाके क्या करेंगे, बैटल तो करने वाले ही हैं। अब कंपनी तो इतना शातिर थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई अगर नवाब का जो फोर्स है वो तो आउट नंबर कर देगा, क्योंकि नवाब के पास 5,000 फोर्सेस हैं, उसके अगर तुलना में देखा जाए तो ब्रिटिश के पास उस टाइम पे 3,000 फोर्सेस थे अवेलेबल, तो ये तो आउट नंबर कर देगा। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर सामने जाके कोई बैटल हो तो उसमें हम जीते। तो उन्होंने क्या किया, चलिए कंस्पिरेसी करते हैं, क्योंकि सक्सेस तो छुपा हुआ था ही नहीं, क्योंकि मिर्जाफर के साथ सिराज का पहले से रिश्ता खराब था। सिराज पहले भी मतलब सिराज पहले भी मिर्जाफर को अपने पोजीशन से डिमोट कर दिए थे। तो फिर क्या किया इन्होंने कि मिर्जाफर के साथ, फिर यार लुतुफ खान के साथ, फिर जगत सेठ के साथ, उम्मी चांद के साथ, राय दुल्लो के साथ, मतलब उनके कोर्ट में जो जो इनके अगेंस्ट थे सबके साथ मिलके क्लाइव ने क्या किया, कंस्पिरेसी किया, किसके विरुद्ध, सिराज के विरुद्ध। और सिराज को कानो कान खबर नहीं था इसके बारे में। ओके, अब क्या होता है, इन्होंने तो कंस्पिरेसी करके इन्होंने ठीक करके रखा है। अब 23 जून को जब मतलब 1757 में जब पलासी में दोनों फोर्सेस एक दूसरे से आमने सामने आए, तब क्या हुआ, तब हुआ कि जो सरप्राइजिंग जो होना था, सिराज को कुछ पता ही नहीं था, 3,000 3,000 ओनली 3,000 जो ईस्ट इंडिया के फोर्सेस थे वो सिराज के 5,000 50,000 फोर्सेस के ऊपर भारी पड़ गया। अब कैसे पड़ा, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कंस्पिरेसी कर लिया था, जो कि मिर्जाफर जो कि उस टाइम पे कमांडर इन चीफ थे, वो तो बैटल में तो अटेंड हुए हैं बट बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। उनके पीछे जो आर्मी खड़ी थी मिर्जाफर के, उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि कमांडर इन चीफ उनको आदेश ही नहीं दिया कि आप जाके पार्टिसिपेट करो। तो इन्होंने क्या किया, चीट कर दिया सिराज को बैटल के टाइम पे। फिर आके राय दुर्लभ ने बोला पहले कि हाँ हाँ नवाब हम आपके साथ हैं, फिर क्या किया बैटल के टाइम पे इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन्होंने भी विथड्रॉ कर दिया। फिर ये सब देखने के बाद जब देखने की भाई और सब कुछ, सब लोग मेरे विरुद्ध आ चुके हैं और मेरे पास तो फोर्सेस है नहीं, और जो मेरा हैवी आर्टिलरी था वो तो ब्रिटिश ने कब्जा कर दिया, ये सब देखने के बाद सिराज फ्रस्ट्रेशन में आके समझ गया कि भाई अब मैं जीतने वाला हूँ नहीं। तो उन्होंने भागने की कोशिश की। अब जब भाग रहे थे तो पास में ही राजमहल नंबर नाम का एक प्लेस है, वहीं पे जाके मोहम्मद बेग जो थे उन्होंने सिराज को कैप्चर कर लिया और वहीं पे मार दिया। अब ऑर्डर कौन दिया था इसका, ऑर्डर दिया था मीरान ने कैप्चर करने का। अब मीरान कौन है, मीरान थे मिर्जाफर के सन, जो कि कमांडर इन चीफ थे। अब समझ आ रहे हैं कंस्पिरेसी। ओके, अब चलो सिराज का तो पत्ता कट हो गया, मतलब सिराज मर गया। अब मरने के बाद इम्पैक्ट क्या होने वाला था, अब इम्पैक्ट क्या होने वाला था बंगाल में इसके वजह से। अब इम्पैक्ट ऐसा हुआ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हम देखते हैं। पहली बात, मिर्जाफर को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो नवाब ऑफ बंगाल बनाया किसने, बनाया कंपनी ने। तो कंपनी क्या बन गई, कंपनी बन गई किंग मेकर, और नवाब बन गए जो कि मिर्जाफर उस टाइम पे बने, वो बने पपेट, पपेट ऑफ किसके, कंपनी के। ओके, तो इससे क्या पता चला कि जो पॉलिटिकल वीकनेस है इस बैटल से, क्या पता चला उनको, ब्रिटिश को, कि जो पॉलिटिकल वीकनेस है जो इनके अंदर ही, खुद के अंदर ही जो एक दूसरे के विरुद्ध जो कॉन्स्पिरेसी, जो कि एक तानाकशी चल रही थी, वो पता चल गया इनको, एक्सपोज हो गए। फिर हुआ क्या कि आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, मैंने पहले ही बताया था कि जब चंदनगर इन्होंने हथिया लिया, मतलब क्लाइव ने हथिया लिया, तो इसके रिएक्शन में क्या किया था, फ्रेंच ने अपना एक छोटा सा ट्रूप भेजा था बैटल ऑफ पलासी में। तो उसके साथ इस बैटल को जीतने के साथ साथ क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कि फ्रेंच फोर्सेस थे उनका भी खात्मा हो गया बंगाल में। ओके, अब थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आ जाते हैं। मिर्जाफर का तो नवाब बना दिया गया, ओके, बट क्या हुआ कि मिर्जाफर से बहुत सारा कंसेशन ले लिया गया कि हमारा जो लॉस हुआ है पहले सिराज की वजह से या फिर बैटल की वजह से, उस सबका एक कंसेशन दो। तो इनसे पूरा कंसेशन ले लिया गया। फिर जो रेवेन्यू ऑफ द ट्रेड था, ट्रेड का जो भी रेवेन्यू आता था वो सब ले लेते थे। तो मतलब आप बोल सकते हो एक साइड से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, ठीक है। पूरा इन्होंने क्या किया, पूरा एकदम चूस लिया बोल सकते हो आप, मतलब पूरा जो पैसा वैसा सब कुछ था बंगाल का, सब इन्होंने हथिया लिया। इसको कहा जाता है पॉलिसी प्लांडर भी बोला जाता है इसको। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या ब्रिटिश ने क्या किया, अब ब्रिटिश ने
रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया किनके लिए, जो कि बंगाल में निवासी थे, इनहेबिटेंट जो थे, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उनसे टैक्स कलेक्शन करने लगे। मतलब आप सोचो, मिर्जाफर तो नाम का तो नवाब बन गया, बट उसके पास कोई कोई कुछ भी नहीं था, ना उसके पास फोर्स का पावर था और ना ही उसके पास अपना रेवेन्यू पावर था, ठीक है, बट उसके पास क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था बंगाल को चलाने का। और उल्टे साइड में अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो, तो इनके पास फोर्सेस भी थे, इनके पास पावर भी थे, और इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब पैसा वैसा सब कुछ इन लोग ही कलेक्शन करने लगे। बट इन लोगों ने क्या किया कि इन लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं थे, ठीक है। तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा हो गया कि पावर है बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और नवाब का क्या है कि पावर ही नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हजारों इनके बारे में दे दिया गया। ओके, अब इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में आ जाते हैं। बंगाल जीतते ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुइटेबल बेस मिल गया, अब जहाँ से क्या करने वाले थे लोग आगे जाके पूरा इंडिया में, एक बंगाल हेल्प करने वाला था उनके लिए, एक सुइटेबल बेस बन गया जहाँ से पूरा पूरा इंडिया को इस आगे जाके इन लोगों ने कैप्चर करना था। ओके, अब पॉलिटिकल बूस्ट देख लेते हैं। अब थोड़ा सा समझो कि बाहर से एक कंपनी आता है, कहीं बाहर से आता है एक कंपनी, आके क्या करता है बंगाल में अपना दबदबा बना लेता है, बिजनेस करना शुरू करता है, बिजनेस करते करते अपना दबदबा बनाना शुरू करता है, फोर्टिफिकेशन करता है, ये करता है, वो करता है, फिर बैटल करता है लोकल जो लीडर, पावरफुल लीडर से उनके साथ उनको हरा देता है, फिर क्या करता है कि वहीं पे बंगाल में अपना आदमी बिठा देता है, पूरा पावर इनके हाथ में रहता है, सिर्फ नाम का एक आदमी नवाब बना के किसी को बिठा देता है। तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बोल सकते हो, इनडायरेक्टली भी बोल सकते हो, मतलब पूरा बंगाल ही चलाने लगे। कहाँ से, बाहर से एक बिजनेस का एक एंटिटी आया और आके यहीं पे शासन करने लगा। तो ये क्या था, ये था एक इंस्पिरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, एक इंस्पिरेशन बना जो कि बाद में जाके क्या करने वाला था, पूरा इंडिया कैप्चर करने वाले थे इस इंस्पिरेशन से, और एक बूस्ट मिला प्रेस्टीज का। ऑब्वियसली बाहर से आए थे, कुछ नहीं था इनके पास, इन्होंने पहले बिजनेस के नाम पे बिजनेस शुरू किया, उसके बाद क्या क्या पूरा कैप्चर करके यहीं पे बैठ गए, तो कितना बड़ा प्रेस्टीज की बात है कि बाहर से आके पूरा एकदम कैप्चर करके वही राज करने लगे। तो ऐसे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और ये था एक डिसिसिव बैटल जहां से क्या था कि बंगाल का जो हिस्ट्री था वो तो चेंज हुआ ही हुआ, फिर इंडिया का भी हिस्ट्री चेंज होने वाला था पहले जाके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।